अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हमको कोरोना से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कर्मों का पेंडेमिक जो हम बता रहे हैं, यस, इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से सारे विश्व के 200 प्लस देशों में इसका प्रभाव हो चुका है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रभाव जो भी हो चुका है, मगर ये इतना विरुलेंट नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी जान चली जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब लोगों ने यह समझना है कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे कोई कॉमन कोल्ड होता है, उसी तरह का एक इन्फेक्शन है। मैं डर जैसा है कि एज पॉपुलेशन का है, यंग पॉपुलेशन में हमें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट डर की बात यह है कि ये डिजीज जब तुमको होता है ना, इनमें दो टाइप के पेशेंट होते हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं और असिम्टोमेटिक पेशेंट। असिम्टोमेटिक पेशेंट हमारी रिस्क है। सिम्टोमेटिक यदि है, तुमको बीमारी दी, हमको मालूम है, तो हम तुमको पहले से ही ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, अलग करेंगे, सब करेंगे, तो उनका हमको डर बिल्कुल नहीं है। डर है हमारे को असिम्टोमेटिक पेशेंट का। यदि असिम्टोमेटिक पेशेंट को हमने यदि मैनेज करना सीख लिया, मैनेज का मतलब क्या, इंडिविजुअल केयर क्वारंटाइन, जब तुमको मालूम हो सकता है कि हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो तुमको सेल्फ क्वारंटाइन करना जरूरी है। वो 15 दिन तक भी करेंगे तो योर डिजीज इज गॉन। वो असिम्टोमेटिक लोग जो है वो ये डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात कैसी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम जो होती है, कॉम्प्रोमाइज लोगों में जिनमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, कैंसर है, इनकी इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होते हैं, बिल्कुल। और उनकी इम्यून कमजोर सिस्टम वो डिजीज से फाइट करने में परेशान है। और उसमें भी हमने ये डिजीज ला लिया तो हमारी इम्यून सिस्टम इसको कोप नहीं कर सकती है। ये सिंपल फिजियोलॉजी है, ये सिंपल है। हमारी इम्यून सिस्टम जो एग्जिस्टिंग डिजीज को फाइट कर रही है, वो इम्यून सिस्टम को यदि हमने दूसरा ऐसा वायरस का डिजीज लाया कि जो इम्यूनिटी से बढ़ता है, इम्यूनिटी की वजह से बढ़ता है, तो शायद हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी मॉर्टेलिटी बढ़ती है। यदि लॉकडाउन से भी ज्यादा डर है, जो लोगों के दिल में कोरोना का भय बैठ रहा है, वो सबसे ज्यादा डरने की बात है। वैसे भी कोरोना ये डिजीज इतना कोई भयंकर है नहीं, मैं रिपीटेडली वही बताऊंगा। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्क बनता है जिनमें कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, जैसे तुम्हारे हमारे जैसे लोगों में जिनमें डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन है, वो डिजीज आएगा भी, चला भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये डिजीज इतना सिंपल डिजीज है। अभी ये वायरस जो आया है, ये 2 दिन में जाने वाला नहीं, 1 महीने में जाने वाला नहीं, 2 महीने, ये हमको अब उसके साथ में जीना है। 6 महीने रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, तो आदतें बदलेंगे तो शायद हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, खुद को इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो प्रोटेक्ट कर सकेंगे।